हे गाइस, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ब्लू स्टेक कैसे रूट कर सकते हो। दोस्तों, मेरी गारंटी है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका ब्लू स्टेक पक्का रूट हो जाएगा। और मैं आपको इतनी आसान तरीके से रूट करना सिखा दूंगा जिससे आप अपना तो क्या, आप अपने फ्रेंडों का भी रूट कर देंगे, वो भी 2 मिनट के अंदर। सो बिना कोई बकचोदी के चलते ही अपने हम ब्लू स्टेक के अंदर। और सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रूफ देना चाहूंगा कि मेरा जो ब्लू स्टेक है वो पहले से रूटेड है या नहीं। ब्लू स्टेक के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे अपना प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर का जो सर्च बार है वहाँ पे लिखेंगे रूट चेकर। और जो आपको ये सबसे पहला वाला जो एप्लीकेशन दिख रहा है रूट चेकर नाम से हरा वाला, हम सबसे पहले उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा और चेक करवाऊंगा कि मेरा जो ब्लू स्टेक है वो रूटेड है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमारा जो रूट चेकर एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे ऑप्शन आ गया है ओपन करने के लिए। तब हम इसको ओपन कर लेते और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो मेरा ब्लू स्टेक है वो अभी रूटेड है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जो हमारा रूट चेकर है उसने साफ साफ मना कर दिया है कि हमारा जो ब्लू स्टेक है वो असलियत में रूटेड नहीं है अभी। तो अब मैं आपको इस ब्लू स्टेक को रूट करके दिखाऊंगा। जस्ट आप मुझे फॉलो करते रहेंगे ना तो भी आपका जो ब्लू स्टेक है वो रूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम करते हैं ब्लू स्टेक को मिनिमाइज और अपने माय कंप्यूटर के अंदर जो सी ड्राइव है जहाँ पे सारे प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं हम उस सी ड्राइव को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जहाँ पे शेयर का ऑप्शन है उसके एकदम पास में एक व्यू का ऑप्शन है, आपको जस्ट उस व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग मिल जाएंगे। दोस्तों, इन सारे के सारे सेटिंग को आपको इग्नोर करना है और जहाँ पे आपको हाइडन आइटम लिख के जहाँ पे एक बॉक्स बन के आ रहा है उसके अंदर आपको सिर्फ टिक लगा देना है, कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप एम्प्टी बॉक्स के अंदर टिक लगाते हो तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम डाटा नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा। उस फोल्डर पे आपको 2 बार क्लिक करके इसके अंदर चले जाना है। उस फोल्डर के अंदर आपको एक ब्लू स्टेक्स NXT नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, आपको उस पे भी 2 बार क्लिक करके अंदर चले जाना है। उस फोल्डर के अंदर एक आपको फाइल मिल जाएगी जिसका नाम होगा bluestack.config bluestack.conf नाम से। अब आपको उस फाइल पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपको बहुत सारे सेटिंग करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको उसमें ओपन विथ वाली सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन शो कर रहे होंगे, उसमें से आपको नोटपैड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इन सारे एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई नोटपैड का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो आप क्या करें, मोर ऐप पे क्लिक कर दे। अब जैसे ही आप मोर ऐप पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे 100% आपको नोटपैड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आपको नोटपैड वाला ऑप्शन मिल जाता है तो आपको उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब नोटपैड के अंदर आपको बहुत सारे वर्ड नजर आएंगे जो सारे के सारे ब्लू स्टेक के कन्फिग है। इन कन्फिग के अंदर आपको कहीं से भी एक शब्द भी नहीं हटाना है, अगर आप एक शब्द भी यहाँ से कुछ भी छेड़छाड़ करते हो तो आपका जो ब्लू स्टेक है उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा पूरा हटा के। चलो कोई नहीं, अब जो आपका कीबोर्ड है उसमें आपको कंट्रोल वाला जो बटन है उसको होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपको F वाला बटन एक बार दबाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको रूट लिखना है और फाइंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे एक बार और आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उस लाइन में आपको रूट एसेस का वर्ड मिल जाएगा, उसके बाजू में एक जीरो नाम से एक वर्ड होगा। सिंपली दोस्तों उस जीरो को आपको हटा देना है और यहाँ पे आपको एक कर देना है। दोस्तों एक लिखने के बाद आपको सिंपल सा फाइल पे क्लिक कर देना है। फाइल के पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 2 तरीके के सेव करने के ऑप्शन आएंगे, पहले में लिखा होगा सेव और दूसरे में लिखा होगा सेव एज। तो आपको सिंपल सा सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको जो ये नोटपैड है उसको क्लोज कर देना है, और उसके बाद जो हमारा ब्लू स्टेक है उसको एक बार और ओपन कर लेना है। ब्लू स्टेक ओपन करने के बाद आपको रूट चेकर के अंदर चले जाना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको फिर से चेक करना है। और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमारा जो ये रूट चेकर है वो बोल रहा है कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो ब्लू स्टेक है वो रूटेड है। तो दोस्तों इतना आसान था ब्लू स्टेक को रूट करना। आई होप आपको ये सब सेटिंग्स समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आते और आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरा आपका हेल्प करने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।
मिलते हैं ऐसे यूजफुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।